हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज के वीडियो में आप लोगों के साथ ये वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है एंड अंडर बजट है। प्लस इसमें कोई भी फाउंडेशन मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो देखना हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। नाउ लेट्स बिगिन। सो एज यूजुअल मेरा फर्स्ट स्टेप होगा मॉइस्चराइजिंग या फिर स्किन प्रिपरेशंस। सो कभी भी आप मेकअप कर रहे हो उसके पहले आपको अपना स्किन अच्छे से प्रिपरेशंस करना चाहिए। आपको ब्रेकआउट्स हो सकते हैं या फिर आपकी स्किन अगर ऑयली हो तो आपको ऑयल सब क्लियर करना चाहिए। तो उसी के लिए आज मैं मॉइस्चराइजर की जगह पे फेस सीरम यूज़ करूँगी। तो आप फेस सीरम या फिर मॉइस्चराइजर दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने वाली हूँ ये गुड वाइब्स का फेस सीरम। सो ये ऑयल कंट्रोल सीरम है एंड प्लस टी ट्री एंड पपाया भी है इसमें, तो काफ़ी अच्छा है। एंड मेन इट इज़ अंडर बजट, इट इज़ अंडर ₹300। तो ये आपको ड्रॉपर मिलता है, तो अपने फेस पे इसे अच्छे से अप्लाई कर एंड इसे अच्छे से आप 2-3 मिनट मसाज कर लीजिए अपने फेस के अंदर, ताकि अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। सीरम काफ़ी अच्छा होता है स्किन के लिए। स्किन पे पिगमेंट्स है, रिंकल्स है, तो वो सब थोड़े थोड़े कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो के। सो जैसे ही आपका सीरम अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, आपको यूज़ करना है प्राइमर। आपको कंपल्सरीली यूज़ करना ही है, बिकॉज प्राइमर से आपके जो स्किन को बैरियर मिल जाएगा, मीन्स कवर हो जाएगी, तो फाउंडेशन बहुत अंदर तक आपके स्किन में बैठेगा नहीं या फिर आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी। सो मैं आज यूज़ करने वाली हूँ ब्लू हेवन पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर। तो ये प्राइमर भी आपको अंडर ₹200 या फिर ₹300 तो आ ही जाएगा। एंड आपका प्राइमर आपको जेल फॉर्म में होना चाहिए, थिक फॉर्म में होना चाहिए इस तरह से। जहाँ पे भी मुझे पोर्स है, आप एक बार क्लोजअपली देख लेना, आपको समझ जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ पे पोर्स होते हैं। तो हमें मोस्टली टी जोन में पोर्स होते हैं, ओपन पोर्स। आप एक बार अगर प्राइमर लगाओगे, आपको एकदम सॉफ्ट सा फीलिंग आ जाएगा, एकदम स्मूथ फिनिश देगा आपके फेस को। तो जब आप फाउंडेशन अप्लाई, अभी आज तो हम फाउंडेशन अप्लाई नहीं करने वाले हैं, बट स्टिल प्राइमर मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। तो आप भी अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए तो आप डेफिनेटली प्राइमर यूज़ करना। हमारा नेक्स्ट स्टेप है कंसीलर। आज मैं कोई भी फाउंडेशन यूज़ नहीं करने वाली हूँ, कंसीलर यूज़ करूँगी। क्योंकि तो आप देख सकते हो मुझे काफ़ी ज़्यादा डार्क स्पॉट्स है, यहाँ पे डार्क स्पॉट्स है, यहाँ पे है, इवन आई हैव अंडर आईज डार्क सर्कल्स। तो उन्हें हाइड करने के लिए बस मैं कंसीलर यूज़ करूँगी। अदर देन दैट मैं कोई भी फाउंडेशन यूज़ नहीं करने वाली। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको कोई भी पिगमेंट्स नहीं है, कुछ भी डार्क स्पॉट्स नहीं है, तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो। आज मैं कंसीलर के लिए यूज़ करूँगी दिस वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस कंसीलर। ऐसा मैं अप्लाई करूँगी, तो आप देखना बस मैं कहाँ कहाँ अप्लाई कर रही हूँ। सो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पिंपल के मार्क्स है, यहाँ पे है, बस मैं स्पॉट ही अप्लाई कर रही हूँ, कहीं भी मैं फुल फेस पे अप्लाई नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी रेडनेस। अब इसे हम ब्लेंड करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर से। तो ब्यूटी ब्लेंडर आपका गीला होना चाहिए एंड बहुत ईजीली आपको ब्लेंडिंग करने में हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा, हम अगर फेस्टिव मेकअप कर रहे हैं तो हमें ये डार्क स्पॉट्स नहीं अच्छे लगते हैं फेस पे अगर दिखे तो हम उसे बस कवर करेंगे विद दिस कंसीलर। मैं यूज़ करने वाली हूँ ये इनसाइट कॉस्मेटिक्स का कॉम्पैक्ट पाउडर। सो ये है प्रेस पाउडर एंड बहुत ऑलमोस्ट मैंने ख़त्म कर लिया है, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। एंड इसका शेड है मीडियम बेज एंड ये भी आपको अंडर ₹200 आई थिंक मिल ही जाएगा। एंड मैंने जहाँ जहाँ भी कंसीलर अप्लाई किया है उन्हें सारों को मैं सेट कर दूंगी। आपको चाहिए आप पूरे फेस पे भी इसे अप्लाई कर सकते हो। मैंने सेट कर लिया है अपना फेस एंड सो अब नेक्स्ट स्टेप होता है कॉन्टोरिंग, ब्लश एंड हाइलाइटर। तो इसके लिए मैंने अलग अलग से प्रोडक्ट्स नहीं लिए हैं, मैंने एक कॉम्पैक्ट जो प्रोडक्ट है वो लिया है। सो ये है शुगर कॉस्मेटिक्स का फेस पैलेट एंड जिसमें आपको सारे मिल जाते हैं, दिस इज़ द ब्लश, हाइलाइटर एंड कॉन्टोर। तो ये पैलेट आपको 800 में आता है, बट इन ऑल देखने जाओ तो अंडर 300 ईच आपको मिलता है। अदरवाइज़ आप ये मेबलिन फिटमी का एक ब्लश आता है, ये भी ले सकते हो, ये भी अंडर ₹300 आ जाएगा। आप में से मैं ये ब्लश लूँगी एंड ब्लश ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पिंक कलर में है, लाइट
पिंक कलर में है। सो बहुत ही सटल कलर है। एंड बाय द वे ये पैलेट का नाम ही सटल समीट है, तो उसी नेम के अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज़्यादा सटल कलर है ऑफ दिस ब्लश। देन नेक्स्ट हम करेंगे हाइलाइटर, एंड सेम हाइलाइटर में ये पैलेट में से जहाँ पे हमारा ब्लश अप्लाई किया है उसी के थोड़ा सा ऊपर हम इसे अप्लाई करेंगे। एंड आप बस इसका ग्लो, तो हमें अगर हम फेस्टिव मेकअप लुक कर रहे हैं तो हमें ग्लो तो चाहिए। तो ये हो गया हमारा हाइलाइटर, एंड ऑल द फेस मेकअप इज़ ऑलमोस्ट डन। अब हम करेंगे हमारा आई मेकअप एंड आईब्रोज़। फर्स्ट हम फिल करेंगे, तो आईब्रोज़ के लिए मैंने कोई भी अलग से प्रोडक्ट नहीं लिया है, तो जो मैं आई शेडो पैलेट यूज़ करूँगी मैं उसी में से आईब्रोज़ फिल करूँगी। तो आई शेडो पैलेट के लिए मैं यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी आई शेडो पैलेट। इसका शेड है 06, एंड इसमें काफ़ी, आप देख सकते हो, काफ़ी न्यूट्रल टोन्स है, तो आपके फेस्टिव के लिए ये बहुत ही अच्छा सा पैलेट है एंड अंडर बजट है, बहुत ही अच्छा सा। तो इसी में से मैं ये डार्क ब्राउन शेड लूँगी। एंड बाय द वे ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, तो आप अगर लाइट ही कलर लोगे एंड थोड़ा सा ही लोगे तो अच्छा होगा। एंड इसी में से मैं लेके आईब्रोज अपने फील करूँगी। सेम पैलेट में से मैं लूँगी ये लाइट सा, ये रेडिश कलर, दिस कलर, एंड इसे शैडो पैलेट इज़ वेरी 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 पिगमेंटेड, बहुत ही सिंपल सा एंड सटल आई मेकअप मैं करने वाली हूँ। ओह शिट, लग गया। लेके यहाँ पे जो शिमर है ये अप्लाई करूँगी ऑन माय अंदर का आईलिड्स, ऑन माय इनर कॉर्नर्स। वैसे ये ब्रश से इतना अप्लाई नहीं होता है, तो मैं फिंगर से ही लेके फिंगर से अप्लाई करूँगी। इसी तरह से मैं अपना सेकेंड आई कंप्लीट करके आती हूँ। सेम आई शेडो जो मैंने अप्लाई किया था आई लीड्स पे, इसे मैं अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी। तो लोअर लैश लाइन मतलब हमारा जो आई लीड्स का नीचे का जो पोर्शन होता है, तो आप देख सकते हो डिफरेंस दोनों में। तो हम इसे थोड़ा थोड़ा सा छोटा सा ब्रश लेंगे, पॉइंटेड सा छोटा सा ब्रश लेंगे, एंड ये हम अप्लाई करेंगे हमारे आई लीड्स पे। ऑल राइट, तो हमारा आई मेकअप ऑलमोस्ट हो चुका है। अब मैं अप्लाई करूँगी मस्कारा। सो ये है मेबलिन फिट मी हाइपरकर्ल मस्कारा। सो दिस इज़ दी वाटरप्रूफ मस्कारा। आपको अगर वाटरप्रूफ नहीं चाहिए तो आप दूसरा भी ले सकते हो, वो भी अवेलेबल है। बट ये जो हाइलाइटर हमने शुरुआत में यूज़ किया था उसी को लेके मैं थोड़ा सा इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई करूँगी। अभी आप देख सकते हो, अगर आपको डिफरेंस दिख रहा होगा तो, कि यहाँ पे आंखें मेरी बड़ी एंड बहुत खुली खुली सी लग रही है। सो इसीलिए हम इनर कॉर्नर पे हाइलाइटर अप्लाई करते हैं, एंड थोड़ा सा ब्राउ बोन पे भी अप्लाई करेंगे। ओके, सो लिपस्टिक के लिए मैंने यूज़ की है शुगर कॉस्मेटिक्स बुलेट लिपस्टिक इन द शेड 21 पीचर्स पेट, एंड ये काफ़ी ज़्यादा न्यूड शेड में जाती है। सो अभी डार्क है एंड मेरे आईज़ भी मैंने पिंक कर रखे हैं, सो मैं पिंक लिपस्टिक नहीं वेयर कर सकती। अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हो, इट्स ऑल योर चॉइस। बट मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा न्यूड की तरफ जाऊँ, तो इसीलिए मैं ये लिपस्टिक आज वेयर करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा न्यूड नहीं है बट सटल है, मुझे काफ़ी पसंद है ये लिपस्टिक, तो यस मैंने इसीलिए इसे वेयर किया है। इसी तरह से हमारा मेकअप लुक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं ये पूरी तरह से बिंदी लगा के आपको नेक्स्ट क्लिप में मिलती हूँ। सो येस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये मेकअप लुक पसंद आया हो।
एंड आप लोगों को जिस तरह से सिंपल मेकअप लुक पसंद है एंड मिनिमम प्रोडक्ट से अंडर बजट फाउंडेशन नहीं हो ऐसा करने का मैंने कोशिश की। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना एंड इस वीडियो को शेयर भी करना अगर किसी को इस वीडियो की ज़रूरत हो। टिल देन बाय बाय।